तो कैसे हो तुम लोग? क्या तुमने वो एनिमे ट्राई करे जो मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें सजेस्ट किए थे? उस वीडियो पर तुम्हारा काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया, उसके लिए थैंक यू। पर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें उनके पसंद के एनिमे मिल नहीं पाए थे, तो आज मैंने तुम्हारे लिए दो और हाई स्कूल एनिमे खोज निकाले हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई तो तुम्हें भी पसंद आ ही जाएगा। स्टार्ट करते हैं उस एनिमे के साथ जिसे देखने में मुझे मौज आई। अब ऐसी भी बात नहीं है दूसरा एनिमे बढ़िया नहीं है या फिर बेकार है, मौज उसमें भी आई बट इसमें कुछ ज्यादा ही आई और काफी अलग टाइप की मौज आई। समझ रहे हो ना किस मौज की बात चल रही है? इस एनिमे का नेम देख के भी समझ सकते हो, 2.5 डायमेंशनल सेडक्शन। तो अगर माई ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे तुम्हें पसंद है तो ये भी तुम्हें काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि इन दोनों ही एनिमे के कैरेक्टर एंड स्टोरी काफी सिमिलर है। मैंने जैसे ही इसका फर्स्ट एपिसोड देखना स्टार्ट किया, मेरे दिमाग में जो सबसे पहले आई वो थी कीटागावा। तो मारिन कीटागावा के फैंस एक बार फिर से तैयार हो जाओ एक और कॉस्प्ले एनिमे राइड के लिए, और इस बार फैन सर्विस का भी लेवल पिछली बार से काफी तंगड़ा होने वाला है। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी हाई स्कूलर मासामुने ओकुमुरा की। ओकुमुरा हाई स्कूल मांगा क्लब का प्रेसिडेंट है और वो इस क्लब का इकलौता मेंबर है। इस आदमी को 3D गर्ल्स यानी कि असली दुनिया की लड़कियों पर भरोसा नहीं है, इसके हिसाब से वो धोखेबाज होती है एंड इसके लायक नहीं है। तो ये बंदा टिपिकल ओटाकू है जो कि 2D मांगा कैरेक्टर लिलियल से ऑब्सेस्ड है, इसको अपने लिए ये चाहिए। लेकिन इस बंदे की लाइफ चेंज हो जाती है उस सीन के साथ जहां एक जिंदा 3D लड़की फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट रिरीसा मांगा क्लब का डोर ओपन करके इसके लाइफ में एंटर कर जाती है। रिरीसा भी इसकी तरह ओटाकू है, उसने ये क्लब ज्वाइन किया है क्योंकि वो कॉस्प्ले करना चाहती है। अब तुम गैस करो उसका फेवरेट मांगा कैरेक्टर कौन हो सकता है? वही कैरेक्टर जिसके लिए ओकुमुरा पागल है, लिलियल। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये लड़की 18+ मांगा की कैरेक्टर लिलियल को ओकुमुरा के लिए एक तरह से जिंदा करने वाली है, और इसके साथ साथ वो चाहती है ओकुमुरा उसका फोटोग्राफर बन जाए। तो भाई इस एनिमे के अंदर धमाल होने वाला है। और अगर तुमने ध्यान दिया है तो मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था 18+ मांगा कैरेक्टर, तो बात समझ रहे हो ना फैन सर्विस का लेवल माई ड्रेस अप डार्लिंग से काफी ग्रेटर लेवल पर जाने वाला है। अब लेकिन ये भी मत समझ लेना ये 18+ एनिमे है, कम से कम फर्स्ट एपिसोड को देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगा। पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये एनिमे जिस मांगा का एडेप्टेशन है वो 18+ मांगा है, उसके अंदर फैन सर्विस के लिए कोई लाइन ड्रॉ नहीं की गई है, वहाँ सब क्लियर है। लेकिन वही एनिमे की बात करें तो इसका फर्स्ट एपिसोड मांगा के 3 चैप्टर्स को मिला के बनता है, और उन 3 चैप्टर्स में काफी 18+ सीन थे जो कि एनिमे के अंदर काट दिए गए हैं, जिसका मतलब है स्टूडियो ने इस एनिमे को ऐसे बनाया है जिससे इसे हर एज के लोग देख पाए और इसका मार्केट बड़ा हो पाए। बेसिकली उन्हें माई ड्रेस अप डार्लिंग की सक्सेस दिख रही थी तो उन्होंने एक 18+ मांगा को बड़े ही बेहतरीन तरीके से रोम कॉम एनिमे में बदल दिया, जो मेरे लिए बहुत बढ़िया डिसीजन है क्योंकि मैं 18+ एंड बस इची एनिमे देखना पसंद नहीं करता। इस लेवल का फैन सर्विस हो तो बढ़िया रहता है, और ऐसे एनिमे जो होते हैं वो ज्यादातर अपने कैरेक्टर एंड स्टोरी भी बढ़िया ऑफर करते हैं। बात करें एनिमेशन की तो उसके पीछे भी एक बढ़िया स्टूडियो का नाम है जो पहले भी इस तरह के एनिमे पर काम कर चुका है, और उसकी स्पेशलिटी है ये कैरेक्टर डिजाइन एंड डिटेल्स को बड़े ही बढ़िया तरीके से तुम्हारे सामने रखते हैं। वाइब्रेंट कलर्स के साथ कैरेक्टर्स का प्रेजेंटेशन हमेशा ही आई प्लेजरिंग रहता है। इस स्टूडियो का नेम है JC स्टेफ, डेटा लिव एंड फूड वॉर्स जैसे एनिमे इन्होंने प्रोड्यूस कर रखे हैं। तो इस एनिमे के अंदर भी तुम्हें काफी बढ़िया एनिमेशन एंड कैरेक्टर डिजाइन देखने मिल जाते हैं। पर हाँ, जो इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमें बैकग्राउंड कैरेक्टर्स दिखाए गए वहाँ एनिमेशन उतना बढ़िया नहीं था, जो शायद एनिमेशन की कॉस्ट कम करने के चक्कर में किया गया है। लेकिन कुल मिला के बात यह है, मेल लीड जब स्क्रीन पर होते हैं वहाँ लुक्स में ये फाड़ देता है। तो पिछले वीडियो में मैंने तुमसे बोला था आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग्स समर 2024 का बेस्ट रोम कॉम एनिमे है, तो अभी मैं कहूंगा 2.5 डायमेंशनल सेडक्शन समर 2024 का मोस्ट अंडररेटेड रोम कॉम एनिमे है। तो अब अगर तुम इची एनिमे के फैन हो तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है, और अगर तुम रोम कॉम एनिमे के फैन हो तो भी ये एनिमे तुम्हारे लिए है, इची बट नॉट 18+। अपना दूसरा एनिमे है सेनपाई इज़ एन ओटोकोनो को। अब यार इस एनिमे का थीम जरा डिफरेंट है, जरा नहीं कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। तो सबसे पहले तुम इसका प्लॉट ही सुन लो, उसके बाद ही बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी सेकंड ईयर स्टूडेंट मकोटो हानाओका की। मकोटो बड़े ही आराम से दूसरों का अटेंशन हमेशा ही अपनी तरफ खींच लेती है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट साकी भी मकोटो से बच नहीं पाई है, उसे पहली नजर में ही मकोटो से ट्रू वाला लव हो गया है। और साकी ऐसी इंसान है जो अपनी फीलिंग्स को या किसी बात को अपने अंदर नहीं रख सकती, वो हर किसी के साथ फैमिलियर हो जाती है और बड़े ही आराम से अपने थॉट्स हर किसी के साथ शेयर कर पाती है, और उसने ऐसा ही अभी भी किया है, सीधा जाके अपनी फीलिंग्स मकोटो से कन्फेस कर दी है। अब ये सब सुन के तुम्हें लग रहा होगा ये सोजो एआई जॉनरा का एनिमे है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, कहानी में ट्विस्ट है। इसी एपिसोड में हमें देखने मिलता है जैसे ही साकी मकोटो से कन्फेस करती है वैसे ही उसे भी एक सरप्राइज मिलता है, वो जिस लड़की से कन्फेस कर रही है असल में वो लड़का है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, मकोटो लड़का है जो कि लड़कियों के कपड़े पहन के घूमता है। मकोटो ने सोचा था जैसे ही वो साकी को
सच बताएगा, साकी उससे दूर हो जाएगी। बट साकी को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो अभी भी चाहती है मकोटो उसका फर्स्ट लव हो, तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने मिलेगा। अब जब साकी एंड मकोटो का दोस्त उसके साथ आ चुके हैं, तो क्या दुनिया के सामने मकोटो खुद की पर्सनैलिटी को और भी कॉन्फिडेंस के साथ रख पाएगा? क्योंकि अब तक वो ऐसा बन के तो रहता है, लेकिन फर्स्ट एपिसोड देखने से मुझे ऐसा लगता है उसके घर वालों को भी ये बात पता नहीं है, क्योंकि वो घर से लड़कों के कपड़ों में निकलता है और कहीं रास्ते में अपने कपड़े चेंज करता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो ये मकोटो का साइड होने वाला है उसे एनिमे आगे जाके काफी सेंसिटिव तरीके से हमारे सामने रखने वाला है, चीजें इमोशनल भी हो सकती है। तो क्रॉस ड्रेसिंग थीम यहाँ बस कॉमेडी के लिए नहीं है, उसके ऊपर अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। लेकिन इस एपिसोड में जो सबसे ज्यादा हमें मिला वो थी कॉमेडी, जो आगे भी तुम्हें मिलती रहेगी जहाँ जहाँ साकी स्क्रीन पर होगी। कॉमेडी के लिए वही सेम पुराना एनिमे स्टाइल यूज किया है, लेकिन मेरे लिए वो काम कर रहा था, कई जगह पर हंसी आई मुझे। एनिमेशन भी सही है तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, मैंने तुमसे बोला था इसका थीम कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है, लेकिन अभी तक तुम्हें ये बस डिफरेंट लग रहा होगा, तो रुको इसको तुम्हारे लिए ज्यादा डिफरेंट बनाता हूँ। भाई प्रीमियर एपिसोड के एकदम लास्ट में हमको एक और सरप्राइज मिलता है, मकोटो का जो चाइल्डहुड फ्रेंड है रियूजी, जो कि एक लड़का है, वो भी मकोटो के लिए फील करता है। सही बताऊं तो पहले वाले सिचुएशन तक ये एनिमे मेरे लिए ठीक चल रहा था, लेकिन ये देख के मेरा दिमाग घूम गया, ये कैसा लव ट्रायंगल है बे? साकी एक लड़की है जिसे एक लड़की से लव है जो कि असल में लड़की नहीं लड़का है, और ये लड़का जो कि अभी एक लड़की है इसका फ्रेंड जो शुरू से ही लड़का है वो उस लड़के के चक्कर में पड़ा है जो लड़की बन के घूम रहा है। अब मेरा तो दिमाग घूम रहा है, शायद तुम्हारा भी घूम रहा होगा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना होता है वो सब कर देना। जल्दी मिलते हैं समर 2024 के बेस्ट मैजिक फैंटेसी एनिमे के साथ।